हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसिंग ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 11th के टॉपिक चार्ल्स लॉ के ऊपर, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बेसिक सी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v अपॉन t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कब होता है, कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर लें तो जो v अपॉन t की रेशियो आएगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ उसको समझाने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास रेशो आ रही है 2/3, वी अपॉन टी को मैंने पुट किया और उन दोनों की रेशो आती है 2/3। अब किसी भी कारण से मैंने क्या किया, वॉल्यूम को डबल कर दिया या टेम्परेचर को डबल कर देते हैं। मैंने टेम्परेचर को डबल किया तो टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उस कारण से क्या होगा, उसके अंदर की हवा गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो पार्टिकल्स की कनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर दूर तक फैल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी किस हिसाब से बढ़ेगी, हमें क्या करना है, इस जो रेशो है ना, रेशो यही रहनी चाहिए, आगे आप जो मर्जी करो उसका। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम भी डबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेशर को डबल, सॉरी टेम्परेचर को डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा, यानी कि मेरे पास अब आएगा 4/6 आंसर। अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो सेम 2 पर ही कट जाएगा और मेरे पास आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 2/3। यानी कि चार्ल्स लॉ में यही बताया गया है कि वी अपॉन टी की जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास है, सबसे पहले मैंने एक कैंडल ली है, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक कलर्ड वाटर लिया है, कोई भी आप इसमें इंक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी कलर डालना है आपने बस। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक बॉटल ली है, ये मेरे पास एक खाली बॉटल है, इसमें मैंने क्या किया था, एक छोटा सा होल किया था और उसमें मैंने स्पाइक को अटैच कर दिया, और यहाँ पर हमने एक कवर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो, वीट फ्लावर लगा सकते हो या कोई भी MCL लगा सकते हो, ताकि यहाँ पे ये अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आसपास जो होल्स होते हैं ना, जब आप उसके अंदर होल करोगे और पाइप को फिट करोगे तो बीच में अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया और बॉटल ऐसे अंदर से ढक्कन इसको खुला है अभी, और एक पाइप अटैच है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैंडल को ना, इस जो हमारे पास ढक्कन है यहाँ पर हम फिट करेंगे इसको। तो पहले ये काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका नीचे वाला पार्ट जो है गर्म करेंगे ताकि ये पिघल कर यहाँ पर फिट हो जाए, और अभी फिट हो चुकी कैंडल, हम इसको जला देंगे। अब धीरे से क्या करना है, इस कैंडल को ना हमें इस बॉटल के अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो पाइप है ना, इस कलर्ड वाटर के अंदर डाल देंगे। बहुत ध्यान से करना है, पाइप है कलर्ड वाटर के अंदर। ठीक है, अब देख चीज देख लो कि इसके अंदर, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसमें होगा क्या, हम इस कैंडल को इसके अंदर डालेंगे तो कैंडल क्या करेगी, जो इस बॉटल के अंदर हवा है ना, उसको जो अंदर की हवा को गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म होगी तो आपको पता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो बहुत फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम जो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्सपेंड करेंगे, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगी। लेकिन जैसे ही ये, अब आपको पता है कि अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगी ना, फिर ये कैंडल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब कैंडल जो है बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि अंदर की जो हवा है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, कोल्ड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ठंडी हो जाएगी हवा तो वो क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स अब क्या ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। उस कारण से क्या होगा, ये जो वाटर है ना, ये अपने आप ही अंदर की तरफ सक्शन क्रिएट करेगा और पानी खुद ब खुद अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। अब देखो, मैं इसके वो कैंडल को इसके अंदर डाल देता हूँ। अब क्या होगा, हम इसको अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो। अब देखो इसमें कैसे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वाटर में बबल्स क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं और मैंने इसको ऐसे नीचे रख दिया है। अभी कैंडल तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर की पूरी ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं हो जाती। अब देखो बबल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंदर पूरे पार्टिकल्स फैल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ चुकी है। अब देख रहे हो कैसे वाटर इसमें राइज कर रहा है ना, मैजिक। देखो वाटर कितनी जल्दी से राइज किया इसके अंदर। तो ये था चार्ल्स लॉ का एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब अंदर की हवा गर्म होगी उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड होगी। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, उसके बाद क्या होगा, जब ये जो है कैंडल खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी कैंडल, फिर क्या होगा, अंदर के पार्टिकल्स अपने पास पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो भाग नहीं रहे इधर उधर, अंदर की हवा गर्म ही नहीं है, ठंडी हवा है,
ठंडी हवा होगी तो पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है वो भी श्रिंक कर जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट मूव ही नहीं कर रहे हैं। उस कारण से क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और उसको पूरा करने के लिए ये लिक्विड अंदर की तरफ सक्शन क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।